नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जोधपुर से राजस्थान में दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन, रुणीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। रुणीचा एक्सप्रेस जोधपुर डेगाना कुचामन सिटी फुलेरा रिंगस श्रीमाधोपुर नीम का थाना नारनोल अटेली रेवाड़ी से होकर गुजरेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के साथ सभी शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मारवाड़ जंक्शन खामली घाट को जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में रोजगार पैदा करेगी। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में लोग दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी से काफ़ी खुश दिखाई दिए। रुणीचा एक्सप्रेस 5 अक्टूबर को जैसलमेर दिल्ली उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा जैसलमेर से सुबह 11:10 पर रवाना होकर देर रात 2:45 पर दिल्ली पहुँचेगी। इसी प्रकार गाड़ी दिल्ली जैसलमेर रुणीचा एक्सप्रेस 6 अक्टूबर से दिल्ली से रोजाना 8:55 पर रवाना होकर अगले दिन 4 जैसलमेर पहुंचेगी। इसी प्रकार जैसलमेर दिल्ली रुणीचा एक्सप्रेस 7 अक्टूबर को जैसलमेर से रोज 7 रवाना होकर अगले दिन 10:35 पर दिल्ली पहुंचेगी। जैसलमेर से दिल्ली के लिए शुरू हुई सेवा से जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये जो ट्रेन का फ्लैगिंग ऑफ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है इस शहर के लिए। और यहाँ से जो बाकी स्टेशन हैं राजस्थान की, वहाँ पर स्टॉपेज होते हुए ट्रेन जाएगी। आप ये देखें, कनेक्टिविटी जो कैपिटल है इंडिया का, उससे अगर कनेक्टिविटी किसी भी शहर का अगर होता है तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। इससे इस जगह पे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को, साथ में लोगों का आना जाना सुगम होगा। जो दिल्ली जगह है वो अपने आप में ढेर सारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल और इसके अलावा जो पढ़ाई के क्षेत्र में है, सारा कुछ है वहाँ पर। तो उस तरीके से ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में आज के दिन डबलिंग जो प्रोजेक्ट है उसको डेडिकेट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो डबलिंग का कार्य पूर्ण रूप से दिसंबर जनवरी के महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में जो ट्रेनों का आवागमन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा और उससे बहुत फर्क पड़ेगा।